Everybody, welcome back on to this amazing video. Mr. Saffron is here, and in this video, we will dive into GTA San Andreas Definitive Edition modes. यहाँ पे मैंने कुछ मोड्स इंस्टॉल किए हैं और मैंने कौन कौन से मोड इंस्टॉल किए हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल्स दूंगा थोड़ी देर बाद में. बट से पहले हम गेम प्ले को देखेंगे एंड मैंने पूरा ट्राई किया है कि अपने GTA San Andreas Definitive Edition को पूरा का पूरा रियलिस्टिक में मैंने कन्वर्ट कर दिया है. और जो पुराना GTA San Andreas Definitive Edition है उसके अंदर का आपको मुझे बताना है डिफरेंस कमेंट सेक्शन में. आपको मुझे बताना है कि क्या ऐसे डिफरेंसेस इस वाले गेम के अंदर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं आफ्टर इंस्टॉलिंग ऑल दी मोड्स. सो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ एंड प्रेस बेल नोटिफिकेशन. बिकॉज अगर आप चाहते हो GTA की वीडियोज देखने के लिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए. आपको रेगुलरली तो मैं अपलोड नहीं करता वीडियोज, वीकली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी. आई नो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है, काफी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी थी, बट फाइनली आई एम हियर विद दिस अमेजिंग वीडियो. इन फ्यूचर में कुछ और भी वीडियोस प्लान करके मैं आया हूं. लेट्स डाइव इनटू दिस मोड एंड ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कैसा हमें एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है. बट हां, आप लोगों को एक काम जरूर करना है कि आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताना है, वीडियो को पॉज भी नहीं करना है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताना है क्या डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है. लेट्स गो. यहां पे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ऑप्शंस को सेलेक्ट करने में. आप देख सकते हो कि मुझे यहां पे सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है कि मैं क्या सेलेक्ट करूं जिससे कि मेरा गेम प्ले और ज्यादा रियलिस्टिक लगे. तो ये है रीशेड मेन्यू, राइट. रीशेड मेन्यू से मैंने अपने गेम को पूरा रियलिस्टिक बनाया है. यहाँ पे आप देखोगे तो आप ये जो गेम है ये बहुत ज़्यादा लाइक कलर्स जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट हो चुके हैं और रियलिस्टिक गेम लग रही है. पहले डिफॉल्ट वाली गेम से इट लुक सो अमेजिंग. इट्स लुक वे बेटर देन द प्रीवियस वर्जन ऑफ दिस गेम विच इज़ योर GTA San Andreas Definitive Edition. और आपको अभी के अभी कमेंट करना है कि कैसा लग रहा है, ये कुछ चेंजेस आपको लग रहे हैं कि नहीं लग रहे. वेट, वाटर यहाँ पे जब आप देखोगे तो आप देख सकते हो वाटर रेजोल्यूशन यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है. तो यहाँ पे जो पानी है वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, जो कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. बट इट्स लुक सो अमेजिंग. हम अभी नाइट का व्यू भी देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंदर आप बने रहिए. ये क्लियर वेदर में आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का यहाँ पे लुक आ रहा है. ग्राफिक्स में मैंने सेटिंग्स को कुछ मीडियम लेवल ही कर रखा है क्योंकि ऑब्वियसली ये मुझे ऑलरेडी FPS कम दे रहा है. कलर्स आप देखोगे अपने सामने बस्टेड होने के बाद कलर्स बहुत ज्यादा ब्राइट हो रहे हैं. एंड हेयर यू कैन सी द नाइट व्यू. और नाइट व्यू के अंदर मैप के अंदर ग्लो आ रहा है, ग्लो हमने ऐड कर दिया है इस वाले GTA San Andreas के अंदर. आप देख सकते हो कितना ज्यादा ग्लो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है. और मैं यहाँ पे कुछ ऑडियो की सेटिंग कर लेता हूँ जिससे कि मुझे म्यूजिक की साउंड ना आए. यहाँ पे आप देखोगे इट लुक सिमिलर टू द GTA 5 और एक्सपीरियंस जो प्रोवाइड कर रहा है वो GTA 5 का ही आ रहा है. रॉकस्टार की तरफ से लेटेस्ट गेम अभी जो चल रहा है GTA San Andreas Definitive Edition को हमने और भी ज्यादा अच्छा बना दिया है बाय इंस्टॉलिंग सम लिटल मोड्स और कुछ बड़े बड़े मोड्स लाइक द रियलिस्टिक. यहाँ पे आप देखोगे तो रीशेड हमने इंस्टॉल किया है और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर आई गॉट हिम. ओके, तो यहाँ पे कलर्स इज एक्चुअली सो ब्राइट. और मुझे आप लोगों से ये भी जानना है कि व्हाट शुड आई हैव टू डू टू करेक्ट टू इम्प्रूव ऑल द ग्राफिक. सो अभी आप देखोगे तो कलर्स कुछ ज़्यादा ब्राइट लग रहे हैं, तो आई नीड टू मेक द चेंजेस सो दैट कलर इतने ज़्यादा ब्राइट ना लगे. क्योंकि अगर ज़्यादा कलर्स ब्राइट लगेंगे गेम थोड़ा सा रियलिस्टिक कम हो जाएगा. रियलिस्टिक गेम को बनाने के लिए मैंने कुछ बहुत सारे चेंजेस करे हैं और अनदर चेंजेस का ये गेम प्ले आपके सामने एक है जिसमें कलर्स सिमिलरली है. और मैंने कुछ और चेंजेस करूँगा, HDR को मैं डिसेबल कर दूंगा और ब्लूमिंग को मैं डिसेबल कर दूंगा. देन फाइनली ग्लो हमने हटा दिया है एंड विदाउट ग्लो का ये आप गेम प्ले देखोगे इट लुक्स एक्चुअल में अमेजिंग. इट्स लुक सो अमेजिंग. कलर्स वही है बट इट्स लुक सो क्रेजी, इट्स लुक सो डिफरेंट. देखो जानना है आप लोगों से कि ये एक्चुअल में डिफरेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है. और शुड आई हैव टू इंस्टॉल और मोड्स, लाइक मुझे अगर और ज़्यादा मोड इंस्टॉल करने हैं तो यहाँ पे कैसा लुक आ सकता है वो आपको मुझे कमेंट में बताना है. सो इट्स लुक सो अमेजिंग टिल नाउ. और FPS ऑब्वियसली मुझे कम दे रहा है, इससे पहले मुझे FPS 140 अराउंड दे रहा था, तो FPS ऑब्वियसली कम हो चुके हैं. बट इट्स लुक सो अमेजिंग. हमने काफ़ी मस्ती करी, काफ़ी गेम खेला ये वाला और काफ़ी चीज़ें देखी कि क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं. दिस वॉज द वीडियो गाइज, आई होप यू एंजॉय द वीडियो. दिस इज GTA San Andreas Definitive Edition विद
विद आफ्टर 10 मोर इंस्टॉलिंग, और इसको हमने रियलिस्टिक बनाया है पूरा है, यू मे सीन इन थंबनेल। आई होप ये वीडियो यू एंजॉयड अ लॉट। अगर आपको अच्छी लगी है टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई एम गोना मेक वीडियोस लाइक दिस इन फ्यूचर ऑल्सो। साइनिंग आउट।